जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या है पहले उसके बारे में जानेंगे। जनरल वाउचर इज यूज टू यूज फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। जितना भी हम सामान लेते हैं तो उसका एडजस्टमेंट करना होता है, तो हम लोग जनरल वाउचर का उपयोग करते हैं। जब कोई भी फिक्स एसेट्स को उधार खरीदा जाता है, देखिए फिक्स एसेट्स क्या है, इससे पहले भी हम बात किए थे कि जो अपने यूज के लाते हैं, यूज के लिए लाते हैं और जो लंबे समय तक के लिए रहता है उसे ही हम लोग फिक्स एसेट कहते हैं। तो जनरल वाउचर में हम पास करेंगे, देखिए पहला क्या है, हम परचेज लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड से 35,000 की ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो उधार हम डिजिटल वर्ल्ड से 35,000 के खरीदने जा रहे हैं, तो इसका हम जनरल एंट्री किस प्रकार से पास करेंगे टैली में। तो चलिए हम लोग इसके लिए टैली में चलते हैं और इसके लिए वाउचर में जाएंगे, वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद क्या करना है हमको, जनरल वाउचर F7 जनरल वाउचर में जाएंगे। और जनरल वाउचर में जाने के बाद पहला क्या है कि परचेज लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड, 35,000 के हम डिजिटल वर्ल्ड से हम जा रहे हैं सामान लाने। तो DR में हम क्या लिखेंगे, हम लैपटॉप ला रहे हैं, तो इसका हम पहले लेजर बनाते हैं। तो इसके लिए क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। और ये फिक्स एसेट्स है बोले तो अपने यूज के लिए लाते, फिक्स एसेट्स कंट्रोल से इसको शॉर्टकट में सेव कर लीजिए, इस पे अनोन ही रहेगा, ये टैक्स उक्स नहीं। 35,000 का है तो 35,000 लिख दिए, इंटर करके। यहाँ डिजिटल वर्ल्ड से है तो इसका भी क्रिएट करेंगे और लिखेंगे डिजिटल वर्ल्ड, ठीक। और इससे खरीद रहा है इसीलिए सन्डरी क्रेडिटर्स हो जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड ये हो गया, इसके हम उसके बाद हम शेप कर देंगे, ठीक कंट्रोल से। फिर अगला इसके बाद क्या है, अगला है परचेज प्रिंटर फ्रॉम वैरिटी इन्फोटेक, वैरिटी इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कितना है, 10,500 ऑन क्रेडिट। मतलब 10,500 के हम प्रिंटर खरीदने जा रहे हैं हम, तो इसके लिए आते हैं टैली में। और आने के बाद यहाँ पे है क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद है ना खरीदने जा रहे हैं, क्या चीज खरीदने जा रहे हैं, तो प्रिंटर खरीदने जा रहा है। ये भी फिक्स एसेट्स है क्योंकि अपने यूज के लिए लाते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसमें 10,500 लिख दिए। और कौन सा दुकान से लेने जा रहे हैं, तो दुकान का नाम है वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक्स से हम खरीदने जा रहे हैं, तो इसका भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। चलिए लेजर क्रिएट कर लिए, वैरायटी इलेक्ट्रॉनिक इससे हम खरीदेंगे, तो इसके लिए सन्डरी क्रेडिटर्स सन्डरी कंट्रोल से सेव कर लेंगे। और यहाँ भी कंट्रोल देखिए, यहाँ पे खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ऑनलाइन से संबंधित वीडियो आता है और टैली हो गया, एक्सेल कंप्यूटर से संबंधित भी, हार्डवेयर भी का भी आएगा और सॉफ्टवेयर का भी। लोग अगला एंट्री पास करते हैं, तो अगला एंट्री पास करने के लिए क्या है, परचेज स्टाम्प मशीन ऑफ कितना का है, 25,000 एंड स्टाम्प एसोसरीज बोले तो उसका पार्ट्स जो है 10,000 फ्रॉम DK इंटरप्राइजेज। हम DK इंटरप्राइजेज से है जो मशीन खरीदने जा रहा है स्टाम्प पैड। देखिए इसमें तीन एंट्री है, ठीक। तो इसके लिए आते हैं और पहले क्या है, स्टाम्प पैड लेना है, तो इसका आते हैं यहाँ लिखेंगे स्टाम्प पैड, इसे खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, सन्डरी नहीं खरीदेंगे, ये फिक्स एसेट्स है अपने यूज के लिए, तो फिक्स एसेट्स कंट्रोल से सेव कर लिए। और ये कितना का है, तो इसमें स्टाम्प पैड है जो है 25 स्टाम्प मशीन है, ठीक। तो ये तो गलती बन गया, तो चलिए इसको हम सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए बैक स्पेस यहाँ आएंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाम्प मशीन, ठीक मशीन लिख दिए, कंट्रोल से
सेव कर लिए, इसको इंटर मार के सेव कर लिए। और इसके बाद ये कितना का है, तो ये है 25,000 का, 25,000 का, 25,000 का लिख दिए। अब ये और एसोसरीज है, स्टाम्प एसोसरीज बोलते, तो उसका पार्ट्स पुर्जा भी है, तो लिखेंगे स्टाम्प एसोसरीज, चलिए ऐसे लिख दिए। और फिक्स एसेट्स हो गया, कंट्रोल से हम सेव कर दिए। सेव जैसे यहाँ पे भी नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी किस दुकान से ले रहा है जो नहीं, यहाँ पे डीआर ही रहेगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ सीआर, तो सीआर में क्या आ जाएगा, हम किस दुकान से ले रहे हैं, तो इसमें दुकान का नाम है डीके इंटरप्राइजेज, तो चलते हैं। और इसके लिए डीके इंटरप्राइजेज का, डीके इंटरप्राइजेज का ये बना लिए, और इसे खरीद रहा है तो सन्डरी क्रेडिटर्स हो जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर्स, कंट्रोल से सेव कर लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ स्टाम्प पैड कितना का है, ये तो नहीं दिए है, चलिए हम इसमें भी दे देते हैं। स्टाम्प पैड, स्टाम्प एसोसरीज, स्टाम्प एसोसरीज कितना का है, ये है 15,000 का, तो इसमें हम लिख देंगे 15,000। देखिए यहाँ है जो टोटली है, ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, ठीक बढ़ गया। और आते हैं नीचे, और आने के बाद है इसको इंटर करके यहाँ खरीद रहा है, तो लिख देंगे वी इन गुड्स, गुड्स है सर्विस नहीं है, ठीक गुड्स है, तो हम गुड्स ही लिखेंगे, गुड्स परचेज। ठीक, और इसके बाद फिर चलते हैं, और चलने के बाद इसमें क्या है, अगला है कि परचेज स्टेशनरी ऑफ कितना है, 6500 फ्रेम गणेश स्टेशनरी, गणेश स्टेशनरी से है 6500 का हम सामान खरीदने जा रहे हैं, तो क्या चीज का है, स्टेशनरी का है, स्टेशनरी का है, तो स्टेशनरी का है, तो हम लोग चलते हैं और इसमें डाटा एंट्री का पास करते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेशनरी से ये भी, तो फिक्स एसेट्स लिख देंगे, कंट्रोल से सेव, कंट्रोल से सेव। यहाँ पे कितना का हम परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज कर रहे हैं 6500 का, तो हम यहाँ पे 6500 लिख देंगे, इंटर मार के। और किससे ले रहे हैं, गणेश स्टेशनरी से, तो हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर देंगे गणेश स्टेशनरी के लिए, ऐसे खरीद रहे हैं तो सन्डरी क्रेडिटर्स, कंट्रोल से सेव कर देंगे। और इसके बाद चलते हैं, यहाँ से सेव कर देंगे, तो आप लोग ये इससे आगा है, ये है परचेज मोबाइल ऑफ कितना है, 30,000, 30,000 का मोबाइल खरीदने जा रहा है दास मोबाइल शॉप से। और ये भी परचेज आप बिल आप पास कर लीजिएगा, और इसमें भी है परचेज मोनिटर, मोनिटर है जो 10,000 का, उसके बाद सीपीयू 40,000 का, और उसके बाद यूपीएस है 5,000 का, फ्रॉम एसके कंप्यूटर से खरीदने जा रहा है। तो इसमें जो हम ये है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सेम टू सेम इसके हिसाब से बन जाएगा, 3 के हिसाब से उसको डीआर डीआर बनाकर, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले